लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं। रामचरितमानस का ये छंद सुनकर आपको कैसा लगा? रामचरितमानस के छंद हमारे पूर्वज गाते रहे हैं। हमने अक्सर ही अपने दादा दादियों नाना नानियों से ये छंद सुने होंगे और अभी भी कुछ लोगों के घर में इसका पाठ प्रतिदिन होता होगा। लेकिन अगर आप इसका पाठ करते हैं या आपके दादा दादी या नाना नानी इसका पाठ करते हैं तो ज़रा सावधान हो जाइए, हो सकता है आपको इसे गाने के एवज में पैसों का भुगतान करना पड़े। आज जो केस सामने आया है उससे तो ऐसा ही लगता है कि टी सीरीज के भूषण कुमार ने स्वर्ग लोक में अपने पिताजी को बोलकर गोस्वामी तुलसीदास जी से रामचरितमानस के सारे कॉपीराइट ही खरीद लिए हैं। इसीलिए अब जो भी रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं टी सीरीज उनको कॉपीराइट भेजकर उस पर अपना हक जता रहे हैं। वो तो लवकुश खुशकिस्मत थे जो उनके जमाने में टी सीरीज नहीं था, वरना वो अपने पिता भगवान राम को हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की सुना ही नहीं पाते, कोशिश भी करते तो टी सीरीज सुनने नहीं देता। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। सुशांत सिंह की मौत से आहत मैथिली ठाकुर ने निर्णय लिया था कि वो कोई भी बॉलीवुड कवर सॉन्ग नहीं गाएंगी। इसके बाद उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर नई सीरीज शुरू की। अपनी इस सीरीज में वो रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करती हुई एक वीडियो में अपने यूट्यूब पर नजर आई। कुछ समय बाद मैथिली को पता चलता है कि रामचरितमानस पर टी सीरीज का कॉपीराइट है। इससे हैरान मैथिली ने ट्विटर पर इस वीडियो का कॉपीराइट वाला अंश शेयर करके लिखा, जो हम सबके पूर्वज सालों से गाते आ रहे हैं इस पर भी टी सीरीज का कॉपीराइट है, बहुत ही गजब। आपको बता दें कि टी सीरीज कॉपीराइट का जो गंदा खेल खेल रहा है वो कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी फिल्मी गानों पर टी सीरीज ने ऐसे नियम बना दिए हैं कि आप उसको बिना इजाजत गा या बजा भी नहीं सकते। लेकिन इस बार तो टी सीरीज ने नीचे गिरने की सारी हदें पार कर दी हैं, हमारे भगवान और उनकी आराधना के स्वर पर भी अपना कॉपीराइट जता दिया। टी सीरीज एक माफिया की तरह काम कर रहा है ये तो सोनू निगम ने हाल ही में बताया ही था, लेकिन रामचरितमानस पर कॉपीराइट करके टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने दिखा दिया कि वो माफिया से भी ज्यादा गिरा हुआ है, क्योंकि माफिया के भी कुछ उसूल होते हैं। लेकिन भूषण कुमार की टी सीरीज ने तो गिरने की सारी हदें ही पार कर दी हैं। हमको हमारे भजन रामचरितमानस गाने से रोकने वाले भूषण कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अभी भी वक्त है, संभल जाओ टी सीरीज वालों, क्योंकि हम भारत के लोग हर चीज से समझौता कर लेते हैं, अपने धर्म से नहीं करते। अगर हमारे धर्म, हमारे भगवान या हमारे रामचरितमानस को अपनी जागीर समझने की कोशिश की तो वो दिन दूर नहीं जब आसमान में बैठी टी सीरीज जमीन पर आकर धाराशायी हो जाएगी।